यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने कर दी ऐसी मांग, मोदी सरकार के सामने आया धर्म संकट। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर यूक्रेन से जुड़ी एक खबर। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर भारत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को G20 की बैठक को संबोधित करने का अवसर देता है तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा है कि भारत और यूक्रेन के संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने की ज़रूरत है। हमने दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन अब यह भारत पर है कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलें। भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झारपोवा ने अपने एक बयान से भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने में खुशी होगी। उन्होंने G20 के इस साल के मेजबान भारत से यह भी कहा कि यूक्रेन के प्रतिनिधियों को भी G20 की बैठकों में शामिल किया जाए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। सरकारी फंड से चलने वाले थिंक टैंक इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में बोलते हुए उन्होंने यह बातें कहीं। उनका यह प्रस्ताव भारत को एक बड़े धर्म संकट में डाल गया क्योंकि इससे पहले भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने की अनुमति देने के पक्ष में वोटिंग की थी जबकि रूस ने उसके खिलाफ वोट किया था। भारत ने हालांकि सफाई देते हुए कहा था कि मतदान किसी के खिलाफ नहीं किया गया, मतदान रूस या यूक्रेन के बारे में नहीं था बल्कि वोटिंग जेलेंस्की के यूएन की सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर था। जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाली में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अब उनकी उप विदेश मंत्री ने भारत को प्रस्ताव दे डाला है कि वो G20 मीटिंग में जेलेंस्की को बोलने का मौका दे। भारत अगर ऐसा करता है तो यह रूस को नाराज करने वाली बात हो सकती है। झापरोवा ने कहा कि एक वैश्विक नेता और G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय अधिकारी जल्द ही यूक्रेन का दौरा करेंगे। झाबरोवा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से 3 बार रूस की यात्रा कर चुके हैं और अगर वो युद्ध प्रभावित यूक्रेन का दौरा करते हैं तो यूक्रेन उनका स्वागत करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि डोभाल जल्दी ही यूक्रेन की यात्रा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अब तक निष्पक्ष रहा है। भारत कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने पर जोर देता रहा है। भारत के अब तक की भूमिका पर उन्होंने कहा, हम एक बार फिर बहुत ईमानदारी से ऐसा कह रहे हैं, रूस के साथ होना मतलब इतिहास के गलत पक्ष में होना, रूस का समर्थन करने का मतलब है कि आप गलत पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, भारत बड़े बदलाव देख रहा है और यूक्रेन के साथ नए संबंध बनाने में उसे कुछ समय लग सकता है। हमारे संबंध व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए। मैं भारत के साथ गहरे संबंध बनाने का सुझाव लेकर आई हूँ लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को तैयार होने की ज़रूरत है। हमने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन यह घर के मालिक पर भी है कि वह दरवाज़ा खोलें। दोस्तों, इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक बने रहिए मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।